क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को जब से आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है उसके बाद से उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस भी जमकर वायरल हो रहे हैं। दरअसल अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख की बेस प्राइस पर मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया और उसके बाद कई लोगों ने नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया। ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर के आईपीएल टीम में शामिल होते ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें अर्जुन तेंदुलकर विराट कोहली को नेट्स पर बॉलिंग डालते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का है जब विराट कोहली अंग्रेजों के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये सरासर गलत बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल टीम इंडिया एक बायो सिक्योर माहौल में है, ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर को बाहर से नेट गेंदबाज के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 2 साल पुराना है, जब वेस्टइंडीज की टीम हिंदुस्तान आई हुई थी उस दौरान मुंबई में जब मैच था तो वानखेड़े स्टेडियम में अर्जुन तेंदुलकर ने विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस करवाई थी और वहां पर उन्होंने विराट कोहली का विकेट भी चटकाया था नेट पर, जिसके बाद विराट कोहली भी हैरान रह गए। आपको बता दें कि इस वीडियो की सच्चाई काफ़ी पहले ही लोगों के सामने आ गई थी, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरीके के मुद्दे उठने के दौरान इस तरीके की वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।